ओम शांति ओम आज हम आज हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी नेहा दीदी जी ऑनलाइन जुड़े हैं। नेहा दीदी आपका आज के सेशन में हमारी पूरी टीम के तरफ से बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन है थैंक यू सो मच दीदी नेहा दीदी को हम सब जानते हैं क्योंकि दीदी कभी कभी हमें मुरली भी सुनाते हैं फिर भी मैं दीदी का शॉर्ट में परिचय देना चाहूंगी नेहा दीदी आप बचपन से ही ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हैं और मेडिटेशन का अभ्यास भी कर रहे हैं लौकिक एजुकेशन में आपने एम कॉम एम बी ए और सी एंटर किया है आप एक मोटिवेशनल स्पीकर और मैनेजमेंट ट्रेनर भी है अनेक शैक्षणिक संस्थाओं में आपने अनेक प्रकार के कोर्सेस कराए हैं और अभी भी कराते रहते हैं स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल लीडरशिप स्किल्स इमोशनल इंटेलिजेंस आर्ट ऑफ राइट थिंकिंग लिविंग वैल्यूज सेल्फ मैनेजमेंट ऐसे कई टॉपिक्स पर आप व्याख्यान देते रहते हैं नेहा दीदी आज हमें कॉपरेशन तथा सहयोग इस टॉपिक पर क्लास कराएंगे जैसे सहयोग एक दिव्य गुण भी है और एक शक्ति भी है जीवन में एक दूसरे को सहयोग करना बहुत आवश्यक है जैसे हमने सॉन्ग में भी सुना तो सहयोग का गुण हम स्वयं में कैसे डेवलप करें ये दीदी आज हमें आज के सेशन में बताएंगे और हम सबको ज्ञान रत्नों की वर्षा से भरपूर करेंगे वंस अगेन वेलकम नेहा दीदी जी थैंक यू दीदी इस ओवर टू यू नेहा दीदी ओम शांति दीदी ओम शांति ओम शांति डिवाइन वर्चुज अर्थात दिव्य गुण अपने आप में बहुत शक्तिशाली होते हैं अभी हमारी सीरीज ही चल रही है डिवाइन वर्चुज में तो डिवाइन वर्चुज में सारी शक्तियां समाई हुई रहती है लेकिन वो शक्ति हम तभी महसूस कर सकते हैं जब हम स्वयं के अंदर वो गुण धारण करते हैं उस गुण का स्वरूप बनते हैं तो आज हम जिस दिवाइन की दिव्य गुण की चर्चा करने जा रहे हैं वो है सहयोग 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 शब्द योग से जुड़ा है योग से निकला है योग अर्थात मिलना तो सहयोग अर्थात जब सब अनेक मिलकर के कार्य करते हैं तो उसको कहते हैं सहयोग किसी ने बहुत सुंदर लाइन लिखी है कि हैंडसम वो है जिसके हैंड्स सदैव दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं तो सहयोग हम सभी को मिलकर एकजुटता से करना है जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि अगर मकान बन रहा है तो मकान में सीमेंट ईट रेत बजरी सभी आइटम्स की हमें आवश्यकता रहती है ऐसा तो नहीं रहता है कि केवल ईट से मकान बन जाएगा हमें सभी आइटम चाहिए ठीक उसी प्रकार अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है सफलता को हासिल करना है तो हमें सभी के सहयोग की सभी के साथ की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है दूसरे शब्द में अगर हम कहें तो जो देने की शक्ति है जो देने की भावना है उसे ही सहयोग कहते हैं सहयोग शब्द योग शब्द से मिलकर बना है योग अर्थात अर्थात मिलना। तो सहयोग अर्थात जब हम अनेक लोग मिलकर कार्य करते हैं तो उसको सहयोग कहा जाता है देखिए अगर हम मकान भी बनाएंगे तो सीमेंट रेत, बजरी ईटे सभी चीजों की आवश्यकता हमें पड़ेगी ठीक उसी प्रकार जब हम जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें सभी लोगों की आवश्यकता पड़ती है सभी के साथ की जरूरत होती है क्योंकि अकेला कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है ना उसको सफलता अगर हासिल करनी है तो सभी का सहयोग उसे लेना ही होगा दूसरे में अगर हम कहें, तो देने की शक्ति या देने की भावना को सहयोग कहते हैं जैसे हम देखते हैं देवी देवताओं तो का हाथ सदैव देते हुए दिखाते हैं कभी भी लेते हुए नहीं रहता है लेकिन सदैव देते हुए तो उसी प्रकार सहयोग एक दैविक गुण है सहयोग ना देना एक आसुरी गुण है एक आसुरी प्रवृत्ति है एक स्टोरी भी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एक बार इंद्रदेव देवी देवताओं को और असुरों को भोजन के लिए दावत के लिए बुलाते हैं इनवाइट करते हैं सभी असुर भी आते हैं देवताएं भी आते हैं तो इंद्रदेव कहते हैं कि मेरी एक कंडीशन है कि आप जब भोजन करें तो भोजन सीधे हाथों से करना है मतलब हाथ को मोड़ना नहीं है फोल्ड नहीं करना है बल्कि सीधा रखना है तो सभी मान जाते हैं उसके बाद एक हॉल में सारे देवताएं भोजन के लिए बैठते हैं और दूसरे हॉल में सारे असुर लोग भोजन के लिए बैठते हैं असुर लोग भोजन शुरू करते हैं उन्हें कुछ समझ नहीं आता है क्या करें वो भोजन उठाते हैं और चमत्सर उठाकर और उछालने लगते हैं वो सोचते हैं चलो उछालते हैं ताकि मुख में आ जाए और इसी प्रकार वो करते जाते हैं लेकिन भोजन कभी इधर जाता कभी उधर जाता चारों ओर जैसे हलचल मच जाती है सुरों के बीच सभी गुस्सा हो जाते हैं कि ये कैसी शर्त रखी इंद्र देवता ने वो बहुत नाराज हो जाते हैं उनको लगता है कि हमारा अपमान करने के लिए इंद्रदेव ने हमें बुलाया है वो सोचते हैं कि देवी देवताएं तो मजे से भोजन करते होंगे लेकिन इंद्र देव ने हमें ये शर्त दे दी और हमारे साथ छलावा किया है वो जाते हैं देवी देवताओं के हॉल में जाते हैं तो देखते हैं कि चारों ओर बहुत शांति है सभी एकदम शांति में प्यार से भोजन स्वीकार कर रहे हैं तो उसे दे, उन्हें देख उन्हें देखकर बहुत आश्चर्य होता है वो देखते हैं कि देवताएं है सभी एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाते हैं और एक दूसरे को भोजन कराते हैं जब वो देवी देवताएं एक दूसरों को भोजन करवाते हैं तो उनका हाथ भी मुड़ता नहीं है क्योंकि वो दूसरों को भोजन करवा रहे हैं तो इस तरह सहयोग सभी देवती देवताएं एक दूसरों को भोजन करने में सहयोग देते हैं तो वो भोजन भी कर लेते हैं और चारों शांति से अः वातावरण भी शांत रहता है तो इस कहानी से भी हमें ये सीख मिलती है कि जो देवी देवताओं का गुण है वो है सहयोग करना और जो असुर है वो सहयोग नहीं देते हैं क्योंकि असुरों ने सोचा बस स्वार्थ ही थे ना क्योंकि तो सोचते थे बस हम लोग खा ले मैं खा लू बस और देवी देवता ऐसे थे जो दूसरों को खिलाने वाले हैं तो यही अंतर है देवता और असुर में देवी गुण में और आसुरी गुण में फिर हम देख सकते हैं कि सहयोग की आवश्यकता क्यों है अब लोग सोचते हैं सहयोग एक अच्छा गुण तो है लेकिन सहयोग हम क्यों देखिए सहयोग देना और सहयोग लेना एक बहुत ही बड़ी कला है लेकिन तभी भी बहुत से लोग सोचते हैं कि हम सहयोग ना दे सहयोग देने से क्या होगा तो सहयोग जब हम दूसरों को देंगे तभी हम सहयोग प्राप्त कर पाएंगे क्योंकि जो चीज हम देंगे वही चीज रिटर्न होके हमारे पास आएंगी। अगर हम अभिमान में रहेंगे अहंकार में रहेंगे तो दूसरे भी अभिमान रखेंगे जब हम स्वार्थी बनेंगे सोचेंगे आ, मैं किसी को सहयोग ना दूं लेकिन मुझे सब दे तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये संसार एक कर्म क्षेत्र ये जो कर्म क्षेत्र है वो लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से चलता है है ना जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही तो फल काटेंगे तो अगर हमने दूसरों को सहयोग दिया है दूसरों को आ, हमने आ, मदद की है तभी वो मदद हमें भी प्राप्त होगी वही सहयोग हमें मिलेगा अगर ये हम नहीं देंगे तो हम अकेले ही रह जाएंगे अगर हम सोचेंगे हम किसी को ना दे तो हम अकेले ही रह जाएंगे और अकेले कोई भी चीज चलती नहीं है है ना सभी को एक दूसरे के साथ की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है हम क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रह रहे हैं, तो हमारे संबंध है और अगर संबंध है तो सहयोग की लेन देन भी स्वभाव देख सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है हमारा जो शरीर है उसमें भी हर एक चीज सहयोग के माध्यम से ही चलती है जिसे हम देखें हमारी इंद्रिया हमारे जो अंग है ऑर्गन से वो भी एक दूसरों को सहयोग देते हैं सहयोग के कारण ही हम चलते हैं फिरते हैं जो भी हम क्रियाएं करते हैं वो सहयोग के माध्यम से ही है अब देखिए आंख अगर दोनों आँखें एक दूसरों को सहयोग ना दे तो एक आंख कुछ और देखेगी दूसरी आंख कुछ और देखेगी और मनुष्य व्यक्ति मूझ जाएगा कि हम देखे क्या कुछ समझ नहीं आएगा अगर आंखों का आपस में सहयोग होगा तो आंखें एक एक ही वस्तु को एक ही स्थान को क्लियरली देख पाएगी तो ये हुआ हमारी आंखों का सहयोग ठीक उसी प्रकार कानों का सहयोग अगर एक कान कुछ और सुनेगा दूसरा कान कुछ और सुनेगा तो कुछ भी समझ नहीं आएगा ठीक उसी प्रकार हमारी उंगलियां पांचों उंगलियां जो हैं अगर एक एक उंगलियां कह दे कि मैं दूसरी को सहयोग ना दू तो कुछ कार्य हम कर पाएंगे हम कुछ भी कार्य कर ही नहीं सकते क्योंकि कार्य करने के लिए हमें पूरा हाथ चाहिए उंगलियों को मिलाकर ही हम कोई भी कार्य करने में संभव हो पाएंगे तो इसी प्रकार हमारे जो शरीर के हर एक बॉडी पार्ट है वो भी एक दूसरे को सहयोग देता है तभी हम कोई भी क्रिया कर पाते हैं तभी हम कुछ करेंगे इसीलिए कहा गया है यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल अगर हम एकता के सूत्र में बंधे हैं तो हमें कोई गिरा नहीं सकता और अगर सहयोग हमारे साथ है तो सहयोग के माध्यम से हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं है ना अगर हम दुनिया को बदलना चाहे तो ये सहयोग की शक्ति ही है जो ये कार्य को भी संभव कर सकती है अब हम देख सकते हैं कि प्रकृति जो हमारी है प्रकृति भी प्रकृति के में जो भी चीजें हैं नदी है पेड़ है सूरज है सभी चीज देते हैं अगर हम पेड़ पर पत्थर मारेंगे तो वो हमें मीठा मीठा फल देगा है ना जितने हम पत्थर मारेंगे उसमें पत्थर फेंकेंगे वो हमें फल ही देगा कभी भी इन रिटर्न वो हमें पत्थर नहीं मारेगा तो वो हमें हमेशा देता है उसी प्रकार नदियां भी हम नदियों में कितना भी कूड़ा कचरा डालते हैं लेकिन वो हमें शुद्ध साफ जल देती है वो भी हमें हमेशा देती है सूरज भी हमें गर्मी देता है हवाएं हमें ठंडक देती है धरती हमें रहने का स्थान देती है हमें फल फूल भोजन सब धरती से प्राप्त होता है तो इस प्रकार प्रकृति जो भी चीजें है, हैं हमें हमेशा देती ही है कोई भी चीज लेती नहीं है अगर हम देखें जो मेन मेड चीजें हैं जो भी हमारे घर में हमारे सामान्य उपयोग की वस्तुएं हैं चाहे बल्ब हो या माइक हो बल्ब भी हमें लाइट देता है माइक हमें आवाज देता है है ना तो जो हमारी मेन मेड चीजें हैं वो भी हमें सहयोग देती है हमारे कम्फर्ट्स के लिए है है ना तो इसी प्रकार जो भी चीजें हैं उनसे हमें बहुत सहयोग प्राप्त होता है अब हम देख सकते हैं सहयोग तो हमने देखा कि हमें हमने देखा कि हमें हर चीजों से सहयोग है धीरे धीरे सभी ऐसा सोचते हैं और सभी उड़ना बंद कर देते हैं और रेस्ट की पोजीशन में आ जाते हैं तो क्या होता है धीरे धीरे जाल सहित सभी चिड़िया नीचे आ जाती है तो ये है सहयोग की महत्वता अगर हमारा सदाकाल का सहयोग होगा जैसे चिड़िया है अगर सा, सारी चिड़ियाएं सदा काल हमेशा के लिए उड़ती जब तक वो पिंजरे से सॉरी जाल से नहीं तो वो जरूर आजाद हो पाती लेकिन उनका सहयोग सदा का नहीं था तो सदा फिर हम देखेंगे सहयोग कब करना चाहिए अब तो अभी तो हमने देखा सहयोग कैसा होना चाहिए अब हम देखेंगे कब करना चाहिए जिसे भोजन की आवश्यकता तब होती है जब हमें भूख हो जब भूख नहीं हो तो हम हमारे सामने भले छत्तीस प्रकार का भोजन हो बहुत मिष्ठान हो हो पकवान तो भी हम खाएंगे नहीं क्यों क्योंकि भूख नहीं है ठीक उसी प्रकार सहयोग हमें तब देना है जब व्यक्ति को जरूरत हो जिस समय उसे आवश्यकता हो अगर आवश्यकता के बाद हमने सहयोग दिया तो वो सहयोग की कोई जैसे वैल्यू ही नहीं है है ना आवश्यकता में दिया सहयोग ही सहयोग है हमने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है कि हम बहुत बुरी परिस्थिति में थे ऐसी परिस्थिति में थे तब उस व्यक्ति ने हमें सहयोग दिया उस व्यक्ति ने उस समय हमें सहयोग दिया जिसे हम सामान्य स्थिति में आ पाए तो देखिए सहयोग की महत्वता यह है अगर हम सही समय पर राइट टाइम पे राइट right पर्सन right को सहयोग देंगे तो सदैव हमेशा याद रखेगा और value भी तभी रहेगी। अब हम देखेंगे कि सहयोग कौन दे सकता है देखिए सहयोग देने के लिए सबसे पहला तो आधार जो है वो है प्यार अगर हमारे दिल में प्यार है सभी के लिए निस्वार्थ प्रेम है तभी हम किसी को सहयोग दे पाएंगे देखिए ज्ञानी तो हम सभी है ज्ञानी तो आत्मा तो सभी आत्माएं बाबा के बच्चे सभी ज्ञानी है लेकिन सहयोग देने के लिए हमें बनना है स्नेही तो आत्मा अगर स्नेह होगा हमारी सभी आत्माओं से तो हम सहयोग सभी को इजीली दे पाएंगे दूसरा जब हमारी दिल बड़ी हो अगर दिल बड़ी अर्थात जिसकी जितनी देने की जिस जिसकी जितनी अधिक देने की भावना है उसका दिल उतना ही बड़ा है तो अगर हमारी बड़ी दिल होगी तो हम किसी को भी सहयोग दे पाएंगे अगर बड़ी दिल नहीं होगी तो हम एक भी कदम सहयोग का आगे बढ़ा नहीं पाएंगे भले हमारे पास अच्छा तन है मन है धन है समय है लेकिन हमारे दिल बड़ी नहीं है तो हम हमारे अंदर वो प्रेरणा ही नहीं आएगी वो उदारता ही हमारे अंदर नहीं आएगी जो हम किसी को सहयोग दे तो बड़ी दिल होना बहुत ही आवश्यक है तीसरा है हमारे दिल साफ होना चाहिए अर्थात किसी के भी लिए हमारे मन में हमारे दिल में नफरत घृणा ईर्षा का भाव नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर ईर्षा है नफरत है घृणा है तो हम सहयोग दे नहीं पाएंगे चौथा हमारा दिल साफ साथ ही हमारा दिमाग भी अर्थात हमारा मन भी साफ होना चाहिए हमारे मन में अगर बहुत व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं तो भी हम सहयोग नहीं दे पाएंगे तो ये चीजें मस्त है साथ में हमारे अंदर शुभ भावना शुभ कामना रहम की भावना होना भी आवश्यक है क्योंकि अगर हमारे अंदर रहम भाव होगा तभी तो हम अपने से कमजोर जो व्यक्ति है उन्हें सहयोग दे पाएंगे अगर रहम भाव नहीं होगा तो हम किसी को भी सहयोग नहीं देंगे साथ ही शुभ भाव जो हमसे हमसे ऊंचे हैं मतलब जो सफलता की ऊंचाइयों पर जा रहे हैं उनके लिए हमारे मन में शुभ भाव होना चाहिए तभी हम उन्हें भी सहयोग दे पाएंगे तो पहला सहयोग देने का आधार क्या है प्यार स्नेह दूसरा बड़ी दिल तीसरा साफ दिल चौथा मन साफ दिल के साथ हमारा मन भी साफ होना चाहिए भावना और कामना। अब हम हम देख सकते हैं कि हम किस किस प्रकार का सहयोग दूसरों को दे सकते हैं जैसे सहयोग हम तन से भी दे सकते हैं मन से भी दे सकते हैं और अपने समय से भी दे सकते हैं धन से भी दे सकते हैं तन से सहयोग अर्थात अगर किसी व्यक्ति के लिए हमें कुछ करना पड़े कहीं जाना पड़े कुछ बोलना पड़े कुछ बोझ उठाना पड़े तो हम अपनी शक्ति अनुसार तन की शारीरिक शक्ति अनुसार उसको सहयोग दे वो हो गया हमारा तन के द्वारा सहयोग मन के द्वारा सहयोग अर्थात इमोशनल सपोर्ट हम मन के द्वारा कितनों को सहयोग देते हैं जैसे एक कंडीशन हम देखते हैं अगर कोई व्यक्ति बहुत दुखी है उसके जीवन में कुछ परिस्थिति आई है जिसके कारण वो बहुत उदास है हताश है, निराश है और उसके द्वारा उसके अंदर एक कोई ऊर्जा नई एनर्जी जनरेट होती है तो वो हो गया हमारा मन के द्वारा सहयोग देना अगर हमारे मुख के द्वारा दो मीठे बोल हिम्मत और उल्लास के बोल भी अगर हम किसी से बोलते हैं तो उसके अंदर हिम्मत आ जाती है तो वो हो गया हमारा मुख के द्वारा दुख सहयोग धन के द्वारा सहयोग जितनी कैपेसिटी है हम धन के द्वारा दूसरों को सहयोग दे सकते हैं है ना अभी देखते हैं हम कोविड uh, की सिचुएशन में जो हमारे एक्टर है सोनू सूद उन्होंने धन के द्वारा किस कितने लोगों को सहयोग दिया Uh, मतलब uh, उस समय लोगों को आवश्यकता थी मतलब टाइम पे सहयोग दिया जितना वो दे सकते थे तो इसी प्रकार वो हो गया हमारा धन से से सहयोग सहयोग उसके बाद समय से समय द्वारा भी हम सभी को सहयोग दे सकते हैं जैसे अभी हमारा uh, कार्य कंप्लीट हो गया हम एकदम फ्री है तो हम इधर उधर की बातों में अपना समय वेस्ट करने की बजाय दूसरों को अपना समय दे अपनी समय द्वारा दूसरों को मदद करे तो वो हो गया हमारा समय के द्वारा सहयोग देना तो इस प्रकार हम दूसरों को सहयोग दे सकते हैं अब हम सोचते हैं हमने इतनी सारी चर्चा की सहयोग के बारे में सहयोग की महत्वता को जाना ये जाना कि सहयोग हम किन किन प्रकार से दे सकते हैं फिर भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग सहयोग नहीं देते हैं उनको ज्ञान पूरा रहता है लेकिन फिर भी सहयोग देने से पीछे हटते हैं तो तो कारण कारण आखिर क्या है है व्यक्ति सहयोग दे नहीं पाता है। पहला कारण तो हम देखेंगे ईर्षा सोचते हैं कि अगर मैं किसी को सहयोग दूंगा अपने सेवा साथी को सहयोग दूंगा और अगर वो आगे निकल गया तो सब उसकी प्रशंसा करेंगे सब उसके गुणगान गाएंगे वो सभी के सामने सभी के आगे आ जाएगा अगर ये सोचेंगे तो हम सहयोग नहीं दे पाएंगे हम किसी को भी सहयोगी नहीं बनेंगे ना ही किसी को आगे बढ़ाने के निमित्त बन पाएंगे क्योंकि हमारे अंदर ईर्षा का भाव आ गया हम देख सकते हैं हमारी जो ब्रह्मा कुमारी इसकी पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी जिनका भी हमने ट्वेंटी फिफ्थ अगस्त को स्मृति दिवस मनाया है उनके अंदर विशेष सबसे मतलब क्वालिटीज़ तो दादी के अंदर सारी ही भरपूर थी लेकिन फिर भी जो लोगों को आकर्षित करती थी वो थी उनका प्यार वो सभी से निस्वार्थ प्रेम करती थी उनके अंदर सभी को आगे बढ़ाने की फीलिंग थी जो व्यक्ति जिस समय जिस प्रकार के सहयोग की मांग करता दादी उसे प्रोवाइड कराती थी क्योंकि दादी का ही लक्ष्य था कि मैं सभी भाई बहनों को आगे बढ़ाने के निमित्त बनू दादी का ये महावाक्य भी था कि दूसरे आगे बढ़े और मेरा दिल ठहरे दूसरे आगे बढ़े और मेरे दिल को ठंडक पहुंचे संतुष्टता पहुंचे तो हम दादी के बच्चे हमारी दादी पूर्वज है ना हम दादी की वंशावली है तो हमें भी जैसे हमारी पूर्वज दादी जी है वैसे गुण हमारे अंदर भी होना चाहिए हमें भी दादी से प्रेरणा लेकर अपने अंदर दूसरों को आगे बढ़ाने की क्वालिटी को डेवलप करना है अब बहुत से लोग सोच सकते हैं कि हम किसी को आगे क्यों बढ़ाए हमारा क्या फायदा है हम तो उनको आगे बढ़ाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे तो ऐसा नहीं है अगर हम किसी को सहयोग देते हैं तो हम पीछे नहीं रहते लेकिन हम भी आगे बढ़ते हैं अगर हम किसी को सहयोग दे रहे हैं उनके कार्य में मदद कर रहे हैं और वो सफलता हासिल करते हैं तो उनके दिल से जो दुआएं मिलती है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि दुआएं ऐसी चीज है जो पैसे से भी खरीदी नहीं जा सकती है डॉक्टर भी जब पेशेंट बहुत बीमार रहता है बहुत क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है तो यही कहता है कि अब इन्हें दवा की नहीं लेकिन दुआ की जरूरत है तो दुआओं में इतना बल है तो अगर हम दूसरों को आगे बढ़ा रहे हैं तो उनकी दुआएं हमें जैसे कि एक फोर्स देगी हमें और आगे बढ़ाएगी हमारे कार्यों को सरल करेगी अब बहुत सी बार अगर कोई हमें दुआएं नहीं देता है हमें लगता है कि ये तो हमें दुआएं देगा नहीं तो ये भी हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अगर हम उनसे सहयोग दे रहे हैं और हमारे सहयोग से वो आगे बढ़ रहा है सफलता प्राप्त कर रहा है उससे उसे खुशी मिल रही है संतुष्टता मिल रही है तो उस व्यक्ति का संतोष हमारे लिए दुआ का कार्य करेगा भले वो अपने मुख से या मन से हमें दुआ ही नहीं दे रहा है लेकिन उसके अंदर जो संतुष्टता की खुशी की फीलिंग है वो फीलिंग ही हमारे लिए दुआओं का काम करेगी और हमारे खाते में जमा हो जाएगी तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हमें किसी को सहयोग नहीं देना है हमें सभी को सहयोग देना है कोई छोटा हो या बड़ा हो अब अगर हम सभी को सहयोग देंगे क्योंकि सभी को सहयोग देंगे तो सब हमसे खुश रहेंगे तो बाबा के भी महावाक्य है कि अगर हम दूसरों को खुश करते हैं आगे बढ़ाते हैं तो हमें परमात्मा दुआएं भी प्राप्त होती है तो अगर हम दूसरों को आगे बढ़ा रहे हैं तो उनकी दुआएं तो मिलेगी साथ ही साथ परमात्मा दुआओं के भी हम पात्र बन जाएंगे और परमात्मा की दुआएं सदैव हमारे जैसे रक्षा कवच बन जाएगी तो ये असर है दुआओं में क्योंकि